हर तरफ पहल कर रहे हैं सर, पर हमें जो दिख रहा है फिलहाल कि ये लोग हमारी कभी हक में बात नहीं करें और हमारे हक में कभी साथ नहीं दिए। जिस तरह अख्तर उलीमान साहब ने कहा, हम पे सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं मगर हमें साथ लेने के लिए ये लोग अभी तैयार नहीं हैं। हम चाह रहे हैं कि हम उनके साथ जाते हुए बीजेपी और नीतीश कुमार की जो सरकार है उसको गिराएं, मगर ये लोग जिस तरीके से अखिलियतों के तरफ देख रहे हैं और हमारे वोट को अपना हक समझ रहे हैं और हमें आगे बढ़ाने की जो सियासी तौर पर कोशिश नहीं करने के लिए उनका जो मोटिव है, उससे हमें दिखता है कि ये नॉन सीरियस है, सिर्फ इल्ज़ाम लगाना जानते हैं और इलेक्शन लड़ना शायद अभी फिलहाल नादानी का काम कर रहे हैं ये लोग। मजलिस बहुत सीरियस तौर पे इस इलेक्शन में, बिहार के इलेक्शन में आएगी। असदुद्दीन अवैसी साहब के कई रैलीज यहाँ पे होंगे। तमाम मजलिस के MLA जो हैदराबाद में हैं वो पूरे यहाँ पे डेरा डाल कर बैठेंगे और हम एक बड़ी ताकत से आपके बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे और हम ये आपके और बड़ी तरीके से साबित कर देंगे कि मजलिस नज़रअंदाज करने वाली जमात नहीं रहेगी। शायद ये इलेक्शन में आप लोगों के सामने ये बात हो रही है, मगर इनको वक्त पे एहसास हो जाएगा कि मजलिस को साथ लेना इनकी ज़रूरत बन जाएगी। वो काम हम यहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, अख्तर उलीमान साहब ने हर किसी से मुलाकात की, हर एक बात आपके सामने बोलने की नहीं होती है। अख्तर उलीमान साहब ने खुद पर्सनल हर किसी से पहल कर रहे हैं और कोशिश में लगे हुए हैं। हम अभी भी मायूस नहीं हैं, हम हर किसी के साथ जाने तैयार हैं जो बीजेपी की मुखालिफत करता है, मगर हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि कोई हमें अगर हाथ ना दे तो हम अकेले अपने पाँव पर नहीं ठहर सकते। बिल्कुल, हम वो टाइम पर फिर बातचीत करेंगे, वक्त अभी नहीं है। हमने लिस्ट अनाउंस की है, कैंडिडेट्स हमारे दिमाग में है और हमने वो लिस्ट अनाउंस की है जहाँ पे हमारा संगठन मजबूत है। हम सिर्फ नाम लेने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम नहीं ले रहे हैं, हमने ग्राउंड लेवल पर बूथ लेवल तक काम कर वहाँ पे संगठन बनाकर हमने वो नाम लिया है। हमारा संगठन बहुत मजबूत संगठन है, जिन जिन सीटों पर अख्तर उलीमान साहब ने अभी नाम लिया है और बूथ लेवल तक हम वहाँ पे पहुँचे हैं, तो हमें नज़रअंदाज करना शायद इनकी